मुझे लगता है कि आप लोग 3.2 एक्सरसाइज तक कर लिए होंगे और DVP 2 भी लगा लिया होगा आपने। तो हम लोग अब 3.3 एक्सरसाइज, जिसमें कि कुछ फॉर्मूलेज, कुछ तो नहीं बहुत से फॉर्मूलेज अब आपके सामने आने वाले हैं, तो वो फॉर्मूले आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, उसको आप नोट कर लीजिए और उस पे फिर बेस्ट क्वेश्चंस, मतलब आइडेंटिटीज़ अब आपको और मिलने जा रही हैं। ठीक है, अभी तक आपको 3 फॉर्मूले बस पते थे, अब हम लोग जो 11th में, कम से कम 20 से 26 फॉर्मूले आपके सामने आएंगे, उसको आपको याद रखना है। तो चलिए कुछ बेसिक फॉर्मूले से पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला आता है sin A+B। sin A+B का फॉर्मूला होता है sin A cos B प्लस sin B cos A। ठीक है, प्लस तो यहाँ भी प्लस, साइन मिक्स में चलता है, मतलब एक बार साइन के साथ ए जाएगा, फिर कॉस के साथ बी चला गया, प्लस फिर साइन के साथ बी चला गया, कॉस के साथ ए चला गया। अब अगर मान लीजिए यहाँ माइनस हो जाए, sin A - B का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप माइनस लगा लीजिएगा, बस यही डिफरेंस आएगा। सेकेंड वन इज cos A+B, तो पहले लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला cos A+B, तो ये हो जाएगा cos जो होता है वो मिक्स नहीं चलता है, cos वैसे ही सीधा चलता है, cos A cos B, cos के साथ cos ही रहेगा और sin के साथ साइन रहेगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि कॉस में इसका साइन उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर यहाँ माइनस है, cos A - B का अगर कोई फॉर्मूला पूछे तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे। ठीक है, थर्ड वन, थर्ड इज tan A+B। तो टैन में क्या होता है, tan A+ tan B अपॉन 1 - tan A tan B होता है। ठीक है, जो यहां वाला साइन रहेगा ऊपर में चला जाएगा और अल्टरनेट साइन यहां चला जाएगा। अब मान लीजिए आपसे कोई tan A - B पूछे, tan A - B क्या होगा, यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला जो साइन होगा, तो नीचे वाला साइन यहां पे भी आप रखोगे, यहां पे भी रखोगे। ठीक है, तो यहां माइनस, तो यहां माइनस, यहां प्लस। फोर्थ वन इज sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होता है 2 sin x cos x। ठीक है, और भी होता है 2 tan A upon 1 + tan² A। ये सब आप 10th में प्रूफ कर चुके हो कि 2 sin x cos x इतने के बराबर, सॉरी a नहीं होगा, a लिखना है तो सब जगह यही लिखना पड़ेगा, तो sin 2A का फॉर्मूला। ठीक है, 2 tan A upon 1 + tan² A, इसको आप प्रूफ कर सकते हो कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया sin 2A का फॉर्मूला, साइन के कॉस के फॉर्म में, टेन और टेन के फॉर्म में। कॉस टू ए का फॉर्मूला ये होता है cos² A - sin² A। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो अगर मैं इसको केवल साइन में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 - sin² A - sin² A, यानी 1 - 2 sin² A। ठीक है, अब मान लो इसको मुझे कॉस के टर्म्स में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos² A तो रहेगा, इसको मैं लिख लूंगा 1 - cos² A, तो उसका जब कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 cos² A - 1। समझ में आ रहा है ना, मतलब मुझे फॉर्मूला बेसिक ये बस याद रखना है, ये दोनों तो मैं निकाल लूंगा। और एक फॉर्मूला होता है टैन के फॉर्म में क्या होता है, 1 - tan² A upon 1 + tan² A। ठीक है, इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो डायरेक्ट ही आपको ये मिल जाएगा, और ये cos 2A का फॉर्मूला होता है। tan 2A, तो ये सब जहां से फॉर्मूले आए कहां से आए, इसी फॉर्मूले से आए, cos A + A लिख सकते हैं इसको, cos
कॉस ए प्लस ए, ए प्लस ए, बी भी ए है और ए भी ए है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू ए यानी साइन स्क्वायर, इसलिए यहीं से फॉर्मूला आया। साइन टू ए भी आप देख लो, साइन टू ए मतलब ए प्लस बी, ए प्लस ए, ए प्लस ए, बी भी ए ही है ना, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो टू साइन ए कॉस ए, ठीक है। टेन टू ए, टेन टू ए का फॉर्मूला फिर यहीं से आप निकाल लो, ए प्लस ए, तो टेन ए प्लस टेन ए यानी टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। सेवेंथ, वैसे तो ये छह फॉर्मूले हो गए और ये तीन, नाइन फॉर्मूले हो गए यहां तक। अब हम लोग चलते हैं थ्री वाले, साइन थ्री ए, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, ठीक है, कॉस थ्री ए, फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, ये सब आपको याद रखना है। नाइन्थ वन इज टेन थ्री ए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये सब फॉर्मूले अभी आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं टेंथ फॉर्मूला, तो थ्री ए, थ्री मल्टीपल वाले हो गए, टू मल्टीपल वाले हो गए, एडिशन सब्सट्रैक्शन फॉर्मूला हो गया। अब क्या है, अब एक बोलते हैं हम लोग सी डी फॉर्मूला, मतलब साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, तो ये होता है टू साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू टू साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। अच्छा, अगर यहां पे प्लस लग जाए तो अगर प्लस लगेगा तो यहां पे माइनस था तो यहां पे भी प्लस हो जाएगा, और यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला पूछे तो क्या बोलोगे, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, देखो साइन का फॉर्मूला है तो साइन वाले के साथ सेम साइन, यहां वाला साइन ही चला जाएगा, और जो करस्पॉन्डिंग कॉस बचा, मैंने बोला है साइन के फॉर्मूले में हमेशा मिक्स होगा, तो यहां पे कॉस वाले के साथ क्या होगा, अल्टरनेट साइन चला जाएगा, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस जाएगा, तो यहां वाले फॉर्मूले में जो साइन होगा वो यहां जाएगा, और उसके अलावा जो बचा क्या माइनस, तो यहां चला जाएगा। इलेवेंथ, कॉस ए माइनस कॉस बी, ठीक है, तो ये इसमें आपको जब माइनस आएगा तो आपको माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस का, मैंने बोला है कि मिक्स नहीं चलता है, या तो साइन ही चलेगा या तो केवल कॉस चलेगा, तो साइन के साथ ऐसे आप याद रख सकते हो, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होगा, तो देखो कॉस में से कॉस गया, इसका कैरेक्टर खत्म कर दिया उसने, तो यहां पे इसलिए केवल साइन आ गया, कॉस में कॉस जोड़ेंगे तो कॉस ही आना चाहिए, तो इसलिए यहां पे कॉस आएगा, तो कॉस का मेरे हिसाब से सबसे आसान फॉर्मूला याद करना, ठीक है। तो ये हो गए सी डी फॉर्मूले बोलते हैं इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी फॉर्मूले बीच बीच में आते रहेंगे, अभी एपी जीपी के बीच में फॉर्मूले हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था ए एम जी एम का, एक होता है अरिथ, हालांकि हम लोग इसको सिक्वेंस सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको यूज आ जाए, अर्थमेटिक मीन जेमेट्रिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मान लो जैसे 1 3 5, ये एपी में है, टू टू का कॉमन डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म इसका 1 है, तो
तो अर्थमेटिक मीन ये बोलता है कि अगर ये ए है और ये बी है, तो इसके बीच का अगर मुझे एपी का टर्म फाइंड करना हो तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ए प्लस बी बाई टू, 1 + 5/2 3 आ रहा है, तो ये इसका क्या होगा, अर्थमेटिक मीन, बीच वाला, बीच में। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला को याद रखना है, ए प्लस बी बाई टू। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए ज्योमेट्रिक मीन, हाँ, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन पहले आप समझिए, ज्योमेट्रिक मीन मतलब जीपी, अभी आप नहीं जानते हो लेकिन जीपी का मैं एग्जांपल बताता हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं उसको। जैसे मान लो 2 है, इसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 का मल्टीपल हो रहा है, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो इसको जो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। कॉमन, वहां कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ रेशियो, a2 - a1 वहां करते थे, यहाँ पे a2 / a1 करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, तो a2 / a1 क्या होना चाहिए, वो r से रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन रेशियो। तो ये बोलता है कि मान लीजिए ये a टर्म है, ये b टर्म है, और मुझे ये फाइंड करना है मिडिल वाला, इसको बोलेंगे क्या, ज्योमेट्रिक मीन। अगर जीपी में बीच वाला टर्म निकालना हो तो बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन। तो ये बीच वाला टर्म जो होगा वो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखो ए इंटू बी कर लो तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और उसका रूट ले लो, तो ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। तो अभी के लिए आप बस फॉर्मूला याद रखिए कि ये एएम का फॉर्मूला होता है, ये जीएम का। अब एक चीज जो है आपको फाइनल याद रखनी है कि एएम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। हालांकि मैंने शायद पहले भी इसको बताया है, एएम जो होगा वो हमेशा जीएम से या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा एम। तो यानी आपको ये याद रखना है कि ए बी प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी, बस इतना याद रखोगे बहुत से क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये फॉर्मूले हैं आपको, जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब इसी पे बेस्ड कुछ और फॉर्मूले आपको दिखेंगे, जैसे एक फॉर्मूला और आता है, हालांकि उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, एक आता है 2 cos A cos B, 2 cos A cos B। तो देखिए यहां पे ये फॉर्मूला है, cos A + B + cos A - B, cos A + B + cos A - B। ऐसे एक और फॉर्मूला आता है 2 sin A sin B, 2 sin A sin B। तो ये क्या आता है, cos A - B - cos A+B। अब ये फॉर्मूला आपको याद करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, आपको अगर cos A प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, cos A cos B - sin A sin B होता है, और यहां क्या होता है, cos A cos B + sin A sin B, तो +sin A sin B और -sin A sin B दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 2 cos A cos B बचेगा। ऐसे यहां पे आप देख लो, यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B + sin A sin B, और इसका क्या होता है, cos A cos B - sin A sin B। अब देखो माइनस वाला ये कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 sin A sin B बन गया। ऐसे अगर आपसे पूछे 2 sin A cos B का बताओ फॉर्मूला, तो आप क्या करोगे, ये मिक्स आ रहा है, इसका मतलब मुझे साइन का फॉर्मूले पे ध्यान देना चाहिए, साइन वाले में ही मिक्स वाला आता था, sin A + B sin A - B, अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो एनसीईआरटी में है, और भी हम लोग फॉर्मूले देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले एनसीईआरटी को कवर कर लें, उसके बाद देखेंगे। तो एक दो क्वेश्चन आज करते हैं, फिर बाकी आप लोग कुछ ट्राई करिएगा, इसमें ये तो थोड़ा एक और लेक्चर इसमें लगेगा अभी। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं, पहले साइन 15 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है,
साइन 15 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड होगा? देखो, हमें ऐसे मल्टीपल सोचने होंगे जिसकी वैल्यू हमें पता है, और इस फॉर्मूले को साइन ए माइनस बी या कुछ फॉर्मूले को यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो देखो, एक तो एक तरीका ये है कि हम इसको क्या लिख लें, 45 डिग्री माइनस 30, क्योंकि 45 डिग्री पे भी साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू पता है और 30 की भी पता है। या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं। 60 पे भी सभी एंगल की वैल्यू पता है और 45 पे भी पता है। तो मैं जो आपको आसान लगे मैं इससे कर देता हूं आपको। साइन 40 के लिए 45 माइनस, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए साइन बी। अब साइन ए क्या है, यहां पे ए है 45 डिग्री और ये है बी, तो साइन 45 कॉस बी 30 डिग्री माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो इसका होता है 1/√2, इसका होता है √3/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है 1/2। एलसीएम ले लीजिए, 2√2 √3 − 1। क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इस पे, फॉर्मूले तो हम लोगों ने सब देख लिए, उसको आपको याद करते रहना है, और 2 से 3 दिन में एक साथ सब याद नहीं होगा, एक साथ बैठोगे तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करोगे, एग्जांपल्स लगाओगे, तब ये जाके याद होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एंगल जो मैंने साइंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बताया था वहाँ से है कि 2 sin² 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² π/3 इज इक्वल टू 10। ये आपको प्रूफ करना है, तो चलिए करते हैं। तो यानी 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता ही होगी, 135 डिग्री है, 45 डिग्री है और पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री है। तो साइन 3π/4 की वैल्यू हमें निकालनी है, पहले तो ये काम कर लें। तो ये कैसे निकलेगा भाई, तो ये है 135 एक तरह से, तो 180 में से हम इसको माइनस कर सकते हैं, मतलब पाई में से इसको पाई बाई फोर, पाई 180 में से 45 माइनस कर दें तो हमें 3π/4 मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो पाई जो है, पाई क्या है 180, ये 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है, तो फंक्शन विल नॉट चेंज। तो ये आप साइन पाई बाई फोर डायरेक्ट लिख दोगे। अब आपको क्या देखना होता है, क्वाड्रेंट। तो साइन 135 है ये, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखो, आंख बंद करके सोचो, ऊपर वाई एक्सिस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा ये है, तो यानी वाई पॉजिटिव है, यानी साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यानी इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। चलिए अब हम लोग कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, कॉस 45 की 1/√2। सेक पाई बाई फोर मतलब कॉस का उल्टा, तो सेक पाई बाई थ्री की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, कितना होता है भाई, तो कॉस का उल्टा, कॉस पाई बाई थ्री यानी कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2, इसको पुट कर दो, तो 2 sin² ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 1/2, और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 + 1 + 8 = 10। प्रूफ हो गया पहला क्वेश्चन। तो ये था साइंस से। अब हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड, तो हमें प्रूफ करना है, आइडेंटिटी ये क्वेश्चन है कि sin² 6x - sin² 4x इज इक्वल टू sin 2x * sin 10x, ये प्रूफ करना है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, LHS sin² 6x - sin² 4x। अब देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, तो हमें ये पता है कि हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है sin² a - sin² b, ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो हमारे पास और क्या ऑप्शन बचता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि इसको हम लोग a² - b² के टर्म्स में तोड़ देते हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं sin a + b * a - b,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस, मैं इसका बस लिख रहा हूं ए माइनस बी बाई टू। तो ये हो गया इसका, और इसका भी आप सॉल्व कर लो, इसका भी सॉल्व कर देता हूं, इंटू टू साइन ए माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, है कि नहीं। तो ये यहां से आपको आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा साइन फाइव एक्स कॉस एक्स, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस फाइव एक्स। नजरें आपकी किधर होनी चाहिए, इस साइड होनी चाहिए। तो देखो नजरों को, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक्स वाले को एक एक्स के साथ रख रहा हूं, तो ये उसको मैं लिख सकता हूं टू साइन एक्स कॉस एक्स, एक टू को मैंने इसके साथ रख दिया और दूसरे टू को मैंने फाइव वाले के साथ रख दिया, ठीक है। अब देखो साइन एक्स और कॉस एक्स, टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता था, साइन टू ए होता था, यानी ये साइन टू एक्स हो जाएगा, और ये भी वही फॉर्मूला है टू साइन ए कॉस ए, ए क्या है यहां पे फाइव एक्स है, तो उसका दुगना करना पड़ेगा साइन टेन एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको प्रूविंग करनी है। चलिए थर्ड वन देखते हैं। तो थर्ड वन में है, थर्ड वन अच्छा क्वेश्चन है, एलएचएस साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स, ठीक है। इसको प्रूफ करना है टू कॉस स्क्वायर एक्स साइन फोर एक्स के बराबर है। चलिए अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। तो देखो अगर आप साइन, देखो एक तो क्लियर है कि साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है। अब हमें क्या चीजें ध्यान रखनी होती है इस तरह के क्वेश्चन में, कि क्या कोई कॉमन आ सकता है। अगर मैं इससे साइन टू एक्स और इसको दो बार लिख लेता हूं साइन फोर एक्स को, तो क्या कुछ कॉमन आएगा, नहीं। साइन टू एक्स हाफ एंगल फॉर्मूला है ये, तो टू एक्स प्लस फोर एक्स बाई टू करोगे तो थ्री एक्स आएगा, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इसको साथ में ले जा रहा हूं टू एक्स को और साइन सिक्स एक्स को, तो टू एक्स प्लस सिक्स एक्स बाई टू यानी फोर एक्स, फोर एक्स यहां पर कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों को कंबाइन करने जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा टू साइन टू एक्स प्लस सिक्स एक्स बाई टू कॉस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स बाई टू प्लस, इसको मैं छोड़ दिया, तो ये हो गया साइन फोर एक्स। अब आपको मैंने बताया था ये कितना आ रहा है, फोर माइनस फोर एक्स बाई टू यानी माइनस टू एक्स। अब आपको मैंने बताया था कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, यानी यहां माइनस हटा सकते हैं। अब टू साइन फोर एक्स को आप कॉमन ले लो, तो यहां क्या बच रहा है वन प्लस कॉस टू एक्स। अब आपसे, अब आप आरएचएस देखो, आरएचएस में हमें चाहिए साइन टू एक्स तो आ गया, लेकिन हमें आरएचएस में कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स कैसे आ सकता है, अगर हम कॉस टू एक्स हो का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर वाला अगर लगा दें तो काम बन जाएगा। तो हमें पता है कि वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये वन वन कैंसिल हो गया और यहां से आपका आंसर आ गया साइन फोर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कुल मिला जुला कि आपको फॉर्मूला सब जब दिमाग में धीरे धीरे फिट होने लगेगा तो आप डायरेक्ट सोच पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप एक आर डी शर्मा हो या जो भी हो इसके एग्जाम्पल्स आप लगाना, तब जाके थोड़ा सा अप्रोच और आपका क्लियर होगा। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन में है कॉस नाइन एक्स माइनस कॉस फाइव एक्स अपॉन साइन सेवेंटीन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टू एक्स अपॉन कॉस टेन एक्स।
ठीक है, चलिए, साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, ये प्रूफ करना है, सॉरी ये मैंने क्यों लिख दिया, चलिए ये प्रूविंग करनी है, ये हमारा LHS है। कैसे करेंगे? सिंपल सा बात है भाई, CD फॉर्मूला लगा दो, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो cos A माइनस cos B का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस टू साइन ए माइनस बी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू अपॉन, इसका साइन ए माइनस साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? टू साइन ए माइनस बी बाई टू साइन ए प्लस बी बाई टू, सॉरी यहां मिक्स होगा, यहां कॉस आएगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू, टू से टू कैंसिल कर लीजिए, यहां क्या बचा? साइन माइनस साइन टू एक्स, और यहां क्या आ गया? साइन सेवन एक्स, और नीचे में क्या आ गया? साइन सेवन एक्स, और ये क्या आ गया? कॉस 10x, साइन 7x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया जो हमें लाना था वो आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको पता ही है, जैसे आप सोच लो वही सही है, आंसर आ जाना चाहिए। फिफ्थ वन देखते हैं, फिफ्थ वन में ये है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x, इसको प्रूफ करना है कितने के बराबर? cot 3x के बराबर, cot 3x। तो अब देखो यहां पे भी वही अप्रोच लगाना है, अभी डिनोमिनेटर को भूल जाओ, हमें एक तरह से 3x को कॉमन निकालना है और बाकी चीजें जो होंगी वो शायद कट जा रही होंगी, तभी तो cot 3x आ रहा है, ऊपर में cos 3x आ रहा होगा, नीचे में sin 3x आ रहा होगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों को अगर हम कॉमन ले लें, इन दोनों को अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 4x plus 3x by 2, तो 7 by 2 का कोई कॉमन तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम इन दोनों को कॉमन अगर एक साथ ले जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 4x plus 2x by 2, यानी 3x मिलना है हमें। तो यानी हमें इधर भी यही करना चाहिए और इधर भी यही करना चाहिए। cos 3x तो साइड में रख लो और इन दोनों को फॉर्मूला लगा लो, cos a plus cos b क्या होता है? 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2, ऐसे ही आप इधर लगा लो, sin 3x को साइड में रख लिया बीच वाले को, और इसको फॉर्मूला लगाओ 2 sin a plus b by 2 साइन ए माइनस बी बाई टू, सॉरी साइन है ना, तो यहां कॉस आ जाएगा, साइन में मिक्स रहता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो देखो यहां पे ये कॉस थ्री एक्स बन गया, कॉस थ्री एक्स में डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बचेगा? टू साइन एक्स कॉस एक्स मतलब, और ऐसे यहां से अगर मैं देखूं तो साइन थ्री एक्स कॉमन दिख रहा है, तो यहां वन बचेगा और यहां पे भी cos x, आंसर इज cot 3x, आ गया कि नहीं? तो आइडेंटिटीज बहुत ही सिंपल है, जैसे आप टेंथ में करते थे, बस हां फॉर्मूले बढ़ गए हैं, दो तीन फॉर्मूले अब नहीं है आपके सामने, बहुत से फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है। तो पांच क्वेश्चन ऐसे, अब लास्ट वन देख लेते हैं, लास्ट वन में दो फॉर्मूले लग रहे हैं, इसमें क्या है? cos 6x को प्रूफ करना है 32 इंटू कॉस पावर 6 माइनस 48 कॉस पावर 4 प्लस 18 कॉस पावर 2 माइनस 1, ये प्रूफ करना है। तो देखो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला ये है, या तो हम इसको ऐसे लिख लें, cos 6x को हम ये लिख सकते हैं cos 2 into this, या फिर ये भी लिख सकते हैं 3 into, अब जो आपको आसान लगे आप वो लगा लो, ठीक है, जो भी आपको आसान लगता हो। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं ये वाला लगाने जा रहा हूं, इसमें आप देखिए क्या फॉर्मूला आ गया, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4
कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 cos 2x, ये होता है। अगर ये ए है तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होगा, 4 cos³ a माइनस 3 cos a। अब मुझे यहां पे मैं RHS में देख रहा हूँ सभी जो वैल्यूज हैं वो x में है, यानी कि मुझे cos 2x का भी एक्सपेंशन, और x में तो है ही और बाकी सभी टर्म क्या है cos में है, यानी कि हमें cos 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाना है, cos वाला, 2 cos² x माइनस 1 वाला। तो यहां पे भी आप वो लगा लो, इसको एक्सपेंड कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा 8 cos 6 power x माइनस 1 a³ माइनस बी क्यूब माइनस 3 ab, 3 ab ठीक है, 6 12 cos 4x और माइनस 3 ab माइनस 6 cos² a प्लस 6 cos² x माइनस, इसको इनटू कर लीजिए तो ये हो जाएगा 6 cos² x प्लस 3। अब इसको आप इनटू कर लीजिए तो 32 cos power 6 है, 4 power को एक साथ ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस 48 cos power 4x, या माइनस 4 भी आ रहा है उसको कांस्टेंट को बाद में देखेंगे, स्क्वायर का यहाँ से देखो 4 into 6 24, 24 माइनस 6 तो 18 cos² x आ गया। अब कांस्टेंट देखते हैं, 4 into -1 -4 -4 +3 -1 ठीक है, तो ये इस तरह से आपका प्रूविंग वाला पार्ट हो गया। तो ऐसे ही आप एक्सरसाइज 3.3 लगाने की कोशिश करिएगा, और जो भी डाउट्स होगा हम लोग अगले लेक्चर में